ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रखकर काम करता था, और उसके लिए देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसका काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं, कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में है कोई मुझे बताए, और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे या जेल का डर है। हाँ, डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है। मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं, आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप हाँ मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए है, 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों है को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं, 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए नहीं करने देना चाहिए, बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है, 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई, और किसके लाभ में कहता हूँ, मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है, कई देश की जनता का पैसा नहीं है। दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे, 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से
34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में